हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस सीरीज में आपको पुनर्जागरण से उसकी पृष्ठभूमि से थोड़ा अवगत करा दिया था, अब मेरी जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें मैं आपको मैंने पिछली वीडियो में ग्राफिंग भी करवाई थी कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी। पृष्ठभूमि के बाद मैं पुनर्जागरण का अर्थ बताने वाली थी, तो उसके बाद मैं क्या पुनर्जागरण का अर्थ इस वीडियो में पुनर्जागरण का अर्थ और पुनर्जागरण के जो कारण है, किस कारण से आखिर पुनर्जागरण हुआ, तो इन दोनों चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। और हाँ, एक बात और, जो जितनी चीज़ें मैंने लिख रखी है यहाँ पे और जितनी चीज़ें मैं बोलूँगी वो एक एक चीज़ आपको नोट करनी है अपने नोट्स में, और ताकि आपको बाद में रिवाइज करने के लिए बहुत ही आसानी हो, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ और जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें, उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं हो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लिख ज़रूर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था, हमारा जो विश्व का इतिहास है उसे हम तीन भागों में बांट रहे थे, प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व और आधुनिक विश्व। तो देखिए, जो हमारा प्राचीन विश्व था इसमें मानव स्वतंत्र था, और मानव स्वतंत्रता के अलावा जहाँ एक ओर धर्म का कर्म कांडी स्वरूप प्रचलन में नहीं था, वहीं दूसरी ओर लौकिक सत्ता पर बल दिया जा रहा था। मैं प्राचीन विश्व की बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई धर्म से, धर्म का कोई बंधन नहीं था इसमें, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, मनुष्य कोई भी धर्म अपना सकता था या कोई भी धर्म त्याग सकता था। मतलब अर्थात ये कह सकते हैं कि इस जो हमारा प्राचीन विश्व था उसमें मानव को केंद्र में रखा गया और मानव स्वतंत्र था, अर्थात मानव जागा हुआ था, ठीक है। फिर जब मध्यकालीन विश्व हमारा आता है, तो जैसे ही रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, रोमन साम्राज्य के विघटन होने के साथ ही सामंतवादी व्यवस्था का उद्भव हुआ। सामंतवादी व्यवस्था के उद्भव होने के कारण बहुत ही बुरी स्थिति पैदा हो गई थी उस समाज में, और ये एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था हो गई थी उस समाज की, और व्यापारी वर्ग बहुत ही दुखी था, किसान वर्ग का शोषण हो रहा था, चर्च व्यवस्था का उद्भव हो गया था उस टाइम पे। चर्च व्यवस्था के जो पादरी थे वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझ रहे, कहते थे कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, जनता से कहते थे, और जो मेरे मुख से निकली हुई बातें हैं यही शासन है। और जो मनुष्य था उसको एक बंधन से बांध दिया गया था, उसको एकदम जकड़ दिया गया था, ये समझ लीजिए आप। जकड़ने का आशय यह है कि उसको बाध्य कर दिया, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए बाध्य कर दिया गया कि नहीं, आप यही धर्म अपनाओगे, ये वरना ये समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। और मतलब इसमें मनुष्य को केंद्र में न रखकर मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसको बाधित कर दिया गया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन विश्व था इसमें हमारा जो मनुष्य था वो सो गया था। फिर अब आता है हमारा आधुनिक विश्व। ये लगभग वैसे तो स्टार्ट हो जाता है 14वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो पूर्णतः जो पुनर्जागरण चेतना आई वो 16वीं शताब्दी के बाद से आई है, संपूर्ण यूरोप में स्टार्ट हो गई थी। तो जब जैसे ही मध्यकालीन इतिहास से क्रॉस करते हैं आधुनिक विश्व के इतिहास की ओर, तो मानव के अंदर एक चेतना आई, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया और उसने आवाज उठानी शुरू की। तो इन्हीं सब चीजों को कुल मिला के कहा गया कि मानव का पुनर्जागरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। फिर से जागने का आशय वही है जो मैंने अभी आपको बताया, आप इसको नोट कर सकते हो। फिर यह वह स्थिति थी जब विभिन्न यूरोपीय देशों ने एक लंबी अवधि के उपरांत मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग कर आधुनिक युग में दस्तक दी। मतलब जब ये पुनर्जागरण हुआ तो वह जो स्थिति थी वह कौन सी थी, जो यूरोपीय देश थे हमारे वो मध्यकाल, मतलब लगभग 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, आप सोचिए कितना बड़ा काल था ये, मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही कह सकते हैं इसको। तो विभिन्न यूरोपीय देशों ने एक लंबी अवधि के उपरांत क्या हुआ, मध्यकाल का जो हमारा अंधकार का युग था उसको त्याग कर एक आधुनिक युग में दस्तक दी, अर्थात पुनर्जागरण हो गया, ठीक है। यह एक बौद्धिक आंदोलन था, इसे हम बौद्धिक आंदोलन कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली से हुई तथा 16वीं सदी तक इसका जो प्रसार है वो विभिन्न 16वीं सदी तक इसका जो प्रसार है वो विभिन्न यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों में हुआ। मतलब 14वीं शताब्दी से जो ये पुनर्जागरण की चेतना है, ये स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ये सबसे पहले इटली से प्रारंभ हुआ है।
इसका भी कारण है, इटली से भी प्रारंभ होने का एक कारण है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो 14वीं शताब्दी से इटली में प्रारंभ हुआ और उसके जस्ट बाद 16वीं शताब्दी से धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब संपूर्ण यूरोप में ये फैल गया। लगभग जो बड़े बड़े राज्य थे उस टाइम के, बड़े बड़े जो क्षेत्र थे, जर्मनी, ब्रिटेन आदि सभी देशों में ये फैल चुका था। अब हम देखते हैं कि आखिर ये जो पुनर्जागरण हुआ अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है मध्यकाल से जब आधुनिक युग में, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन मनुष्य के अंदर आखिर ये चेतना आई कैसे, अचानक से कैसे उत्पन्न हो गई, इन्हीं कारणों को हम देखेंगे पुनर्जागरण के कारण में। आइए देखते हैं पुनर्जागरण आखिर हुआ कैसे। पुनर्जागरण के कारणों को अगर हम देखें तो इसके कई कारण हमारे सामने आते हैं, जिनमें से जो पहला मुख्य कारण है वह है धर्म युद्ध की भूमिका। धर्म युद्ध मतलब यरूशलम का नाम आपने सुना होगा, यरूशलम अभी हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने इसराइल की राजधानी घोषित कर दी यरूशलम को। तो ये जो यरूशलम था तो इसको लेकर, यरूशलम को लेकर ईसाइयों में और इस्लाम में, इस्लाम मतलब जो मुसलमान वर्ग था ईसाइयों में और जो इस्लाम वर्ग था उनमें एक धर्म युद्ध छिड़ गया यरूशलम को लेके। इसके कारण, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, धर्म जो युद्ध छिड़ा था इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो इस्लाम वर्ग था वो विजयी हुआ। जब विजयी हुआ इस्लाम वर्ग, यहाँ पे देखिए जैसे का मैंने लिखा हुआ है, यरूशलम को लेकर ईसाइयों एवं सलजुक तुर्को, इस्लाम, ये इस्लाम का एक वर्ग था, सलजुक तुर्क कहा जाता था इसे, सलजुक तुर्कों के मध्य होने वाले इस युद्ध में इस्लाम की विजय होती है। परिणाम स्वरूप, एकदम ध्यान से सुनिएगा, परिणाम स्वरूप ईसाइयों की पराजय से चर्च व्यवस्था पर एवं पादरियों के प्रति संशय पैदा हो गया, अतः मानवीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब देखिए कैसे ये हुआ, देखिए जब मध्यकाल हमारा, जब मध्यकाल कालीन युग आया था उसमें जब पादरियों का जब उद्भव हो रहा था, जो पादरी थे वो क्या कह रहे थे, अपने आप को ईश्वर का एक प्रतिनिधि मान रहे थे और वो जनता के सामने, जनता उसे क्या कहते थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता और हम किसी से हारने वाले नहीं हैं, और मतलब कि हमारे मुख से जो निकली हुई बातें हैं वही शासन है, और जो ईश्वर है, ईश्वर ने हमको आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब इस्लाम और ईसाइयों के बीच जब युद्ध होता है, और इस्लामों की क्या हो रही है, विजय हो रही है। तो जब इस्लामों की विजय होती है और ईसाइयों की पराजय होती है तो उस क्षेत्र में जो रहने वाली जो जनसंख्या है वो ये सोचती है कि इन्होंने, जो ईसाई पादरी जो वर्ग थे उन्होंने तो ये बोला था कि हमें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन ये इस्लाम से पराजित हो रहे हैं, मतलब ये बात सत्य है कि ईसाइयों को हराया जा सकता है। तो क्या हुआ, इससे लोगों के अंदर क्या हुआ, बौद्धिक विकास होने लगा धीरे धीरे, उनके मन में ये मतलब कि ये धारणाएं आई कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इनकी जो पराजय हुई, ईसाइयों की पराजय हुई, उससे चर्च व्यवस्था एवं पादरियों के प्रति संशय पैदा हो गया और क्या हुआ, मानवीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैंने आपको बोला था प्रशासनिक शब्दावलियों का यूज मस्ट इम्पॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, तो आप एक कॉपी बनाइए, मैंने बताया था आपको, एक कॉपी बनाइए और उसमें सारे वर्ड्स आप यूज़ करते रहा करिए, लिखते रहा करिए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और बार बार उसको रिवाइज करें। तो मानवीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ, मतलब पादरियों की हार होती है तो जो वहाँ की जो सामान्य जनता है उसके अंदर एक चेतना सी आती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कस्तुंतुनिया का पतन। सेकेंड क्या है हमारा, कस्तुंतुनिया का पतन। जैसा कि मैंने बताया था, जब रोमन साम्राज्य का विघटन होता है तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य होता है उसकी राजधानी होती है कस्तुंतुनिया, जो आधुनिक तुर्की है। जो ये आधुनिक तुर्की है आप अभी देख सकते हो, ये एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य सागर के मतलब इसके चारों ओर तीन ओर से भूमध्य सागर से घिरा हुआ क्षेत्र है ये। तो ये जो कस्तुंतुनिया था, जब ये जो ईसाई धर्म थे, ईसाई धर्म की जब लोग ये परास्त हो जाते हैं इस्लाम धर्म के लोगों से,
तो कस्तुनतुनिया में इस्लाम धर्म के अनुयायियों का आधिपत्य हो जाता है। और ये जो कस्तुनतुनिया का क्षेत्र था, ये आपको पता होगा कि अगर जो सागरों की जो स्थिति होती है अगर वो बेहतर होती है तो बंदरगाहों के लिए उचित मार्ग प्रदान करता है। तो ये जो कस्तुनतुनिया का क्षेत्र था, ये मतलब एक समुद्री मार्ग प्रदान करता था ये व्यापार के लिए। तो जैसे यहाँ पर कस्तुनतुनिया में इस्लाम जो अनुयायी थे इनका आधिपत्य हो जाता है, उस स्थिति में क्या होता है, जो वहां का जो मार्ग था, समुद्री मार्ग था व्यापारिक, वो अवरुद्ध हो जाता है। अब इस समुद्री मार्ग के अवरुद्ध होने से क्या होगा, जो पलायन कर गए हैं लोग, बताऊंगी मैं आपको भी, जो लोग पलायन कर गए हैं इटली के क्षेत्र में, जो लोग पलायन कर गए हैं, अब उनको व्यापार करने की जरूरत आन पड़ी है कि व्यापार तो करना, अब जो हमारी आवश्यकताओं की चीजें हैं इसकी पूर्ति कैसे होगी, जब हम व्यापार करेंगे तब तो होगी, जो हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है उसका हम निर्यात कर रहे हैं, जो अन्य देशों से जो हमें जरूरत की चीजें हैं वो हम आयात कर रहे हैं। तो इसकी जब जरूरत आन पड़ी तो देखा गया कि जो कस्तुनतुनिया का क्षेत्र था वो तो अवरुद्ध हो चुका है। अब हम कहाँ से, मतलब जो हमारा व्यापार है अब ये कहां से होगा। इस स्थिति में क्या हुआ, नए समुद्र मार्ग की खोजे की जाने लगी। इसी क्रम में क्या होता है, नए समुद्र मार्ग की जब मतलब खोजे स्टार्ट होती है, इसी क्रम में क्या होता है, जो नई भौगोलिक खोजे होती है उनकी शुरुआत हो जाती है, मतलब नई भौगोलिक खोजे होने लगती है। जैसे ये कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज हुई, ठीक है, ये इसी क्रम में हुई थी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, जो ज्ञान विज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था। 1453 में तुर्कों द्वारा कस्तुनतुनिया पर आधिपत्य, सॉरी मेरे शायद दो बार लिख दिया है, तो 1453 में तुर्कों द्वारा कस्तुनतुनिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिए जाने के क्रम में ज्ञान विज्ञान का यह केंद्र इटली के विभिन्न शहरों में स्थानांतरित हुआ। मतलब ये जो कस्तुनतुनिया का क्षेत्र था, ये ज्ञान विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ पे साहित्यकार, लेखककार बहुत ही उन्नत प्रकृति के थे वो सब। तो जैसे ही कस्तुनतुनिया पे आधिपत्य होता है इस्लाम धर्म का, तो जो ये ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा कस्तुनतुनिया है, यहाँ से जो शिल्पी है, शिल्पकार हैं और जो ये ज्ञान विज्ञान के लोग हैं, ये सब कहाँ पे पलायन कर जाते हैं, इटली के क्षेत्र में पलायन कर जाते हैं। इटली के क्षेत्र में पलायन होने से क्या होता है, बौद्धिक चेतना के नए प्रतिमान स्थापित हो जाते हैं। मतलब कि तुर्की का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो जो मतलब कि कहा जाता है, जो बौद्धिक वर्ग था, बौद्धिक वर्ग क्या हुआ वहां पे भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जब इस्लाम धर्म का जो वहां पे आधिपत्य हुआ तो वहां पे भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, लोगों का शोषण किया जाने लगा। तो वहां से त्रस्त होकर ये जो बौद्धिक वर्ग था ये कहाँ की ओर भागा, इटली की ओर भागा। इटली की ओर क्या भागा, इटली की ओर भागने से क्या हुआ, हाँ इटली में भी उस समय यही सब सामंतवादी प्रथा ये सब चल रही थी, वहां पे भी स्थिति दयनीय थी। तो ये जो बौद्धिक वर्ग था ये जब इटली जाता है और वहां पे मतलब अपनी रचनाओं से लोगों की जो भ्रम है, लोगों का जो भ्रम है उसको दूर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर ये कोई ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं है और मानव स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्र होना चाहिए। ये सब जो विकास हो रहा है ये इन्हीं क्रम में होंगे जब ये बौद्धिक चेतना का क्या होगा वहां पे प्रसार होगा। तो आप एक एक पॉइंट इसके नोट करिएगा, एक एक शब्द आपको लिखना है पूरे, कि जब जो ये इटली के विभिन्न क्षेत्रों में जब स्थानांतरण हो रहा है तो उस वहां पे क्या होता है, बौद्धिक चेतना के नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पर इस्लाम के अनुयायियों का नियंत्रण हुआ। यहाँ पर कहाँ पर, कस्तुनतुनिया पे, आधुनिक जो तुर्की है वहां पर क्या हुआ, इस्लाम के अनुयायियों का नियंत्रण हुआ। अतः यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर अवस्थित होने के कारण व्यापारिक मार्ग था, कौन, कस्तुनतुनिया, अभी मैंने आपको बताया, किंतु अब यह मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब उनका आधिपत्य हो गया तो उन्होंने बोल दिया अब यहाँ से कोई व्यापार नहीं होगा, अब हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो जब ये मार्ग अवरुद्ध हो गया, अतः नए समुद्री मार्ग की खोजों के क्रम में नई भौगोलिक खोजें हुई, अतः मानव क्षमता का विकास हुआ, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, हमारा जो थर्ड पॉइंट है पुनर्जागरण का, मतलब पुनर्जागरण हुआ किस कारण से है, जो मेन पॉइंट है मैं सारे बता रही हूँ, मैंने दो बता दिए, पहला क्या है, धर्मयुद्ध था, धर्मयुद्ध की क्या भूमिका रही और कस्तुनतुनिया का पतन, ये
सेकंड था, अब हम थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है, प्रिंटिंग प्रेस का विकास। प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया, ये आप गूगल करके आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आप उसमें सर्च करोगे ये इससे मतलब संचार युग में आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो आप तुरंत गूगल करो, और इससे क्या होगा, आपको तुरंत हुई चीज़ें जो है मतलब जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको तुरंत गूगल करो उसको और देख के उसको आप अगर अपने नोट्स में लिखते हो तो आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, और जब भी एग्जाम, अभी आपको ऐसा लगेगा कि याद नहीं हो रहा, लेकिन जब एग्जाम या फिर कभी कोई पूछेगा तो आप तुरंत उसका जवाब दोगे। तो ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, आप तुरंत मुझे गूगल करके या फिर जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस के विकास से क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस के विकास से ज्ञान सर्व सुलभ हो गया, मतलब कि जो बाइबल वगैरह थे वो केवल पादरियों के ही हाथ थे, तो वो जो बाइबल थे उसमें जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनका स्थानीय भाषाओं में क्या होने लगा, लिखा हुआ है, देखिए बाइबिल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने से अब लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता था। मतलब पहले ये लिखा था कि ईश्वर ने, यीशु ने कहा है ऐसा ही होता है, मतलब कोई भी गलत चीज़ अगर होती थी तो अगर उनको करना होता था या फिर उन्हें कर ही लेना होता था तो क्या बोलते थे, ऐसा बाइबिल में लिखा है। तो मतलब अगर ये स्थानीय भाषाओं में जो बाइबिल थी, बाइबिल में लिखे हुए जो चीज़ें थी, अगर स्थानीय भाषाओं में उसका अनुवाद हो रहा है, मतलब कि इससे अब लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो सब हम मतलब हम हमारे ऊपर हावी होना चाह रहे थे, ठीक है, मतलब अब लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता था। इससे क्या हुआ, मानव की तर्क विशेष को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। अब हम अगला देखते हैं, आर्थिक कारण। अगला क्या है हमारा, चौथा क्या है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखिए क्या है, पुनर्जागरण की शुरुआत में व्यापार एवं वाणिज्य कारकों का विशेष महत्व रहा है। वहाँ पे जो वहाँ की जो जनता थी वह अत्यधिक जागरूक होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे एक नया विकास सा होने लगा था। तो क्या हुआ वहाँ पे, जैसे स्थानांतरण हुआ इटली के क्षेत्रों में, तो क्या हुआ, पुनर्जागरण की शुरुआत में क्या हुआ, व्यापार एवं वाणिज्य कारकों का विशेष महत्व आया, ठीक है। जो इटली का जो क्षेत्र था, कस्तुंतुनिया तो था ही भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इटली का जो क्षेत्र है वो भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, तो भूमध्य सागरीय अवस्थिति का लाभ उठाकर इटली जैसे देश में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ। क्या हुआ, भूमध्य सागरीय अवस्थिति का लाभ उठाकर इटली जैसे देश में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ। इससे क्या हुआ, इससे ये होता है मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, परिणामतः मुद्रा अर्थव्यवस्था, एक व्यापारी वर्ग, एक नया व्यापारी वर्ग उभर कर हमारे सामने आता है। तो जैसे ही व्यापार वाणिज्य का विकास होता है तो उसके कारण क्या हुआ, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास होता है, व्यापारी वर्ग उभर कर सामने आता है, और कुछ बड़े शहर, कुछ नए शहर उत्पन्न होते हैं, जैसे इटली में वेनिस, मिलान, नेपल्स आदि जैसे शहर अस्तित्व में आते हैं। तो आप जैसा लिखा हुआ है ना खुद, आप वैसे ही लिखेंगे, क्या है, भूमध्य सागरीय अवस्थिति का लाभ उठाकर इटली जैसे देश में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ, परिणामतः मुद्रा अर्थव्यवस्था, व्यापारी वर्ग के साथ साथ, मतलब व्यापारी वर्ग के उद्भव के साथ साथ, आप लिख सकते हैं यहाँ पे व्यापारी वर्ग के व्यापारी वर्ग के उद्भव के साथ साथ इटली में वेनिस, मिलान, नेपल्स आदि जैसे शहर अस्तित्व में आए। फिर क्या होता है, जो ये शहरों की स्थिति आई, शहरों की स्थिति ने थोड़ा सामंत, जो सामंत थे उन पर बुरा प्रभाव डाला। तो शहरों की स्थिति ने सामंतवादी व्यवस्था पर चोट की, क्योंकि ये जो शहरी केंद्र थे ये सामंती एवं सामंतवादी तत्वों के हस्तक्षेप से वंचित होकर अपना अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे। मतलब ये जो शहरी केंद्र थे ये सामंतों के अधीन नहीं रहना चाह रहे थे, ये अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखना चाह रहे थे। तो इनकी जो सोच थी, ये जो शहर थे, इसने क्या किया, सामंतवादी व्यवस्था पे चोट पहुंचाई। फिर क्या होता है, मजबूत जो आर्थिक स्थिति आई हमारे सामने, जो व्यापार वाणिज्य के कारण एक जो अर्थव्यवस्था थी ये अत्यधिक मजबूत हो चुकी थी, तो ये जो मजबूत आर्थिक स्थिति आई, मजबूत आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यापारी वर्ग कला एवं संस्कृति के उत्साही
प्रश्नदाता बन गए, मतलब ये जो कला और संस्कृति के लोग जो लोग वहाँ से आए थे और जो पहले से ही वहाँ पर रह रहे थे किंतु शोषित थे, शोषण होने के कारण वो ज्यादा ऊपर पा नहीं रहे थे, तो क्या हुआ, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, इसके कारण जो व्यापारी वर्ग था वो कला एवं संस्कृति के उत्साही प्रश्नदाता बन गया। तो ये हुआ पुनर्जागरण के कारण, इतने कारण सफिशियंट है, और अगर आपको कहीं मिलते हैं तो आप पढ़ सकते हो, बट मेरे ख्याल से इतने जो कारण है ये सफिशियंट है। और हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे कि आप ये जो मेरा वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, क्योंकि मैंने ये जिस उद्देश्य से बनाया है ताकि मेरे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, और जो जो लोग कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो थोड़ा मैं उनकी मदद कर सकूँ। और जैसा कि बताया मैंने, नोट्स आप बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और ये जो पुनर्जागरण का कारण हो गया ये हमारा, अब अगली वीडियो में मैं पुनर्जागरण का जो प्रभाव हुआ उसका स्वरूप क्या था पुनर्जागरण का, और ये जो पुनर्जागरण था ये इटली से ही क्यों प्रारंभ होता है, मैं ये इकट्ठा वीडियो करके, मतलब एक ही वीडियो में ये सारे टॉपिक कंप्लीट करके अगले वीडियो में आपके सामने पेश करूँगी। और ये मतलब इसमें पुनर्जागरण का अर्थ और कारण दोनों इंक्लूड हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।